बताओ कन्नी। स्टार्ट। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको क्लास नाइन्थ की फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर मोशन स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर जितने भी टॉपिक हैं वो वन बाय वन मैं सारे टॉपिक आपको एक्सप्लेन करूंगा, और एक्सप्लेन करने के बाद जब सारे टॉपिक एक्सप्लेन हो जाएंगे उसके बाद इसकी एक्सरसाइज आपको समझाई जाएगी, और एक्सरसाइज समझाने के बाद फिर उन सब एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन हैं उनके आंसर मैं आपको एक कॉपी में लिख कर आपको भेज दूंगा। आप उनको अच्छे से समझें जितने भी टॉपिक आपको एक्सप्लेन कराए जा रहे हैं, और जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन समझाए जा रहे हैं उन्हें ध्यान से समझें, और जो क्वेश्चन आपको भेजे जाएंगे उन्हें आप एक कॉपी पर नोट कर लें, और जब स्कूल रिपन होगा वो कॉपी चेक की जाएगी, इसलिए वो बहुत ध्यान से इन टॉपिक को समझें। तो फर्स्ट चैप्टर हमारे पास है फिजिक्स का मोशन। तो पहले हम मोशन की बात करेंगे, मोशन क्या है। तो पहला टॉपिक हमारे पास मोशन है, तो मोशन को मैं आपको समझा रहा हूँ। मोशन क्या होती है, अगर कोई बॉडी या कोई पर्सन या कोई थिंग किसी दूसरी बॉडी के रेस्पेक्ट में टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन को चेंज करती है तो हम ये कह सकते हैं कि वो बॉडी मोशन कर रही है। जैसे एक हमारे पास ट्री हो और कोई एक पर्सन है जो बाइक पर है, सपोज़ करिए वो जो ट्री है और जो पर्सन है बाइक से वो अभी जो है एक पास पास हैं, ट्री स्टे जो है रेस्ट पोजीशन में और बाइक वाला भी अभी मोशन नहीं कर रहा, लेकिन बाइक स्टार्ट करने के बाद जब हम देखते हैं तो कुछ टाइम के बाद आफ्टर वन मिनट उसकी पोजीशन जो है ट्री के साथ साथ के रेस्पेक्ट में उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है। टू मिनट के बाद देखें तो उसकी पोजीशन और ज़्यादा चेंज हो जाती है। तो इस तरह से जब कोई बॉडी, जैसे बाइक की बात कर रहा हूँ, बाइक चलाने वाला पर्सन जो बाइक चला रहा है वो ट्री के पहले पास में था, फिर एक मिनट के बाद मोशन करता करता वो ट्री से आगे पहुंच जाता है, तो उसकी पोजीशन जो है ट्री के रेस्पेक्ट में, माने एक फिक्स ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है। इस तरह से वो जो पर्सन बाइक चला रहा है वो मोशन पोजीशन में कहलाएगा। अगर हम पॉइंट टू पॉइंट डेफिनेशन की बात करें, जैसे मैंने बताया, ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस विद टाइम विद रेस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर। अब बात करेंगे इसी के दूसरे टॉपिक रेस्ट की। यहाँ बात कर रहे थे मोशन की, मोशन को मैंने अभी डिफाइन किया, इसमें एक टॉपिक था पूरा रेस्ट एंड मोशन। अब रेस्ट की बात करेंगे। रेस्ट के लिए सपोज़ करिए हमारे पास कोई हाउस है या कोई स्कूल बिल्डिंग है या कोई ट्री है, तो वो टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा। जब कोई बॉडी या कोई ट्री या कोई अदर थिंग्स अपनी टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती है तो हम कह सकते हैं वो बॉडी जो है रेस्ट में। जैसे कोई ट्री है, कोई बिल्डिंग है, वो टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती है तो हम कह सकते हैं वो रेस्ट में है। डेफिनेशन की बात करें, ए बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट व्हेन इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विद टाइम विद रेस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। बात कर रहे थे हम रेस्ट की और मोशन की, तो मोशन जो है डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। अब अगला टॉपिक है हमारे पास टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन मोस्टली कितने टाइप्स की होती हैं, मोशन जो है को अलग अलग तीन टाइप में जो है थ्री टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है, रेक्टिलिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन एंड ऑस्किलेटरी मोशन। इन सबको मैं वन बाय वन एक करके आपको रेक्टिलिनियर मोशन के बारे में पहले समझा रहा हूँ। रेक्टिलिनियर मोशन क्या, मैं कॉपी पे एक एग्जांपल देकर समझा रहा हूँ। अगर कोई बॉडी है, मैंने जिन नीचे लाइन खींची है, सपोज़ करिए एक स्ट्रेट रोड, सीधी रोड है, और कोई पर्सन किसी टाइम जो है ए पोजिशन पर है, और वो पर्सन मोशन करता करता कुछ टाइम के बाद उस स्ट्रेट रोड पर बिना अपनी डायरेक्शन चेंज किए बी पोजीशन पर पहुंच जाता है। उसके बाद उसी डायरेक्शन में मोशन करता करता वो पर्सन जो है तीसरी पोजीशन सी पर पहुंच जाता है, लेकिन वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करता। तो जब कोई पर्सन या कोई बॉडी अपनी डायरेक्शन बिना चेंज किए किसी स्ट्रेट रोड पर मोशन करती है तो उसकी मोशन रेक्टिलिनियर मोशन कहलाती है। बुक से देखें आप, रेक्टिलिनियर मोशन जो मैं डेफिनेशन समझा रहा था या जो मैं एक्सप्लेन कर रहा था उसी से रिलेटेड डेफिनेशन है। ए बॉडी इज सेड टू बी इन रेक्टिलिनियर मोशन व्हेन इट मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन। जब कोई बॉडी किसी स्ट्रेट रोड पर स्ट्रेट लाइन में अपनी बिना डायरेक्शन चेंज किए मोशन करती है तब उसकी मोशन रेक्टिलिनियर मोशन कहलाती है। आफ्टर देन मोशन का जो नेक्स्ट टाइप की मोशन है उसके बारे में बात करेंगे, सर्कुलर मोशन। मैंने कॉपी पे फिगर बना के समझाने की कोशिश की क्योंकि बुक में फिगर नहीं है, यहाँ से मैं फिगर बना के समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सर्कुलर मोशन क्या है, सपोज़ करिए जो मैंने सर्किल बनाया है, ये सर्किल एक सर्कुलर पाथ है, बड़ा सा एक सर्किल है। कोई पर्सन इस सर्किल के, ये सपोज़ करिए यहाँ पर कोई पर्सन है और वो पर्सन जो है इस रनिंग कर रहा है सर्कुलर पाथ पर, जो है मोशन कर रहा है।
जब कोई बॉडी या कोई पर्सन किसी सर्कुलर पाथ पर मोशन करता है तो उसकी मोशन को हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, इसी रोड मान सपोज करिए सर्कुलर पाथ है, इस पर कोई पर्सन जो है रनिंग कर रहा है और इस सर्कुलर पाथ पर वो रनिंग करता है तो हम कह सकते हैं उसकी जो मोशन है सर्कुलर मोशन है। एक एग्जांपल और बता रहे हैं, अगर हम एक थ्रेड धागा लें, उसके एक एंड पर एक छोटा सा पीस बांध दें और उसे सर्कुल घुमाएं इस तरह से, तो वो जिसकी जो मोशन बनेगी उस पार्टिकल की जो धागे से बंधा है वो भी क्या होगी, सर्कुलर मोशन का एक एग्जांपल होगी। तीसरे टाइप की मोशन की बात करें तो हमारे पास है ऑस्किलेटरी मोशन। इसे थोड़ा ज़्यादा ध्यान लगा के समझने की ज़रूरत है, इसके लिए भी मैंने एक फिगर बना के समझाने की कोशिश की है। सपोज़ करिए जो मैं फिगर इधर से अलग से बना रहा हूँ, अगर हमारे पास एक थ्रेड धागा हो उसमें एक हम छोटा सा कोई स्टोन पीस या अदर मटेरियल का पीस बांध दें तो ये सिस्टम, और इसे किसी सपोर्ट से लटका दें तो ये सिस्टम जो है सिंपल पेंडुलम कहलाता है। सिंपल पेंडुलम को सिर्फ जो है उसे रेक्टिलिनियर ऑस्किलेटरी मोशन को समझाने के लिए यूज़ किया जा रहा है। अब मान लीजिए हमारे पास जो है सिंपल पेंडुलम है, ये थ्रेड है, ये कोई स्टोन पीस या अदर बॉडीज़ के अंदर बंधी हुई है, ये फिक्स सपोर्ट से इसे हमने लटका दिया हमने। अब अगर इसकी मेन पोजीशन कहलाएगी जब ये मोशन नहीं कर रहा है। अब अगर इसकी मेन पोजीशन से थोड़ा सा हटा के लेफ़्ट में या राइट में ले जाकर इसे छोड़ दें तो ये अपनी मेन पोजीशन के दोनों तरफ लेफ़्ट में भी और राइट में भी अपनी मोशन को रिपीट करेगा एक फिक्स टाइम के बाद। जब कोई बॉडी अपनी मेन पोजीशन के दोनों तरफ अपनी जो है मोशन को रिपीट करती है तब उसकी मोशन जो है ऑस्किलेटरी मोशन कहलाती है। यहाँ से समझा रहे हैं, ए बॉडी इज सेड टू बी इन द ऑस्किलेटरी मोशन व्हेन इट मूव्स टू एंड फ्रो। इसका मतलब यही है कि मेन पोजीशन के दोनों तरफ लेफ्ट में भी और राइट में, इसे कहेंगे टू एंड फ्रो मोशन करता है तब उसकी मोशन क्या कहलाती है, मेन पोजीशन के टू एंड फ्रो अपनी मोशन को रिपीट करता है तो उसकी मोशन जो है ऑस्किलेटरी मोशन कहलाती है। आगे टॉपिक है हमारे पास, आगे इसके अंदर यही टॉपिक दिए गए थे, एक मोशन के बारे में था आपको समझा दिया, रेस्ट क्या होता है, कोई बॉडी रेस्ट में कब होगी वो समझा दिया, क्या मोशन कितने टाइप की होती हैं, तीनों को मैंने एग्जांपल समझा दिया है। उसके बाद जो है आगे इसकी एक्सरसाइज शुरू करेंगे हम, एक्सरसाइज को मैं आपको भेज रहा हूँ इसकी एक्सरसाइज, और इस एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चन हैं सबको पहले क्वेश्चन भी समझाया जाएगा और जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके बेस पर उनके आंसर को भी एक्सप्लेन किया जाएगा, और उसके बाद जब वो एक्सप्लेन कर देंगे सबके आंसर लिख के मैं आपको भेज दूंगा। जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसमें अगर कोई डाउट हो तो आप मेरे नंबर कॉन्टैक्ट नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट करके अपना डाउट मालूम कर सकते हैं, मैं आपके डाउट क्लियर करूँगा। थैंक यू।